एवरीवन, वेलकम टू माय एजियन 3D आरटी चैनल। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं ट्रैकिंग, और हम उस सीन को ट्रैक करेंगे जो आपने स्टार्टिंग में देखा है। मैं होप करता हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि मैंने उसको कैसे क्रिएट करा है। पहले मैं अपना सिंथाई खोल लेता हूँ। मेरा सिंथाई खुल चुका है और हम यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करेंगे और हमारे सीन को ये इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने पहले ही इमेज सीक्वेंस में निकाल के रखा हुआ है। और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। हमने इसको ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं करना, हम मैनुअल ट्रैक करेंगे हम। और यहाँ पे जाएंगे ट्रैक, और यहाँ पे जाके मैनुअली सिंगल सिंगल ट्रैकिंग ट्रैकर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे सभी जगह ट्रैकर लगा देता हूँ। हर जगह ट्रैकर लगा दिए हैं और अभी हम इसको ट्रैक करेंगे। हाँ जी, तो हमारे ना कुछ ट्रैकर अपनी जगह छोड़ गए हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे। और यस, यहाँ पे इनकी ये लास्ट वो थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इनको इनेबल कर देंगे। तो बाकी हमारे ट्रैकर सही हैं। और अब क्या करते हैं हम शिफ्ट जी, और इससे हमारे ये ट्रैकर हमारा एरर 0.46 करके कुछ आया है, तो ये अच्छा है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो एलिम्बिक और ये ब्लेंडर पाइथन। तो हम ब्लेंडर पाइथन के जरिए यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे ये सिंथाई के अंदर एंड बॉक्स ऑन माई हैंड कर देंगे। और सेव। और यहाँ पे हम मेरा 3.6 वर्जन है ब्लेंडर का, तो मैं यहाँ 3.2 प्लस वाला वर्जन यूज़ कर सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। आप अपने ब्लेंडर वर्जन के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और ये हमारा यहाँ पे ब्लेंडर खुल चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे प्लस का साइन है जर्नल के अंदर स्क्रिप्टिंग, और यहाँ से हमारा जहाँ पे हमने सेव करा हुआ है हमारा सीन, वहाँ पे जाएंगे और उसको ओपन टेक्स्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक बार प्ले करेंगे तो हमारा ये सीन यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए, ये हमारा पूरा 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 सीन यहाँ पे आ चुका है। अभी अगर हम चेक करें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा सीन को सेट करेंगे। पहले क्या करते हैं, शिफ्ट एस करके प्लेन ले आते हैं एक शिफ्ट ए, और इसको हम हमारे ट्रैकर पॉइंट के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारे ट्रैकर पॉइंट के साथ अटैच हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे इसको, हम इस यहाँ पे कैमरे में शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्ट, और यहाँ पे एक एम्प्टी अटैच कर देंगे कैमरे के साथ। और ये बाकी जो हमारा पूरा सीन है इसके साथ भी, जिससे हम इसको हमारे सरफेस पे ले आए प्लेन को, जो ये हवा में उड़ रहा है, और हमें काम करने में आसानी रहेगी इससे। अभी हम क्या करेंगे इसको मैन्युअली रोटेशन
हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। और ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया है, और इसको हम भी हम सेव कर लेते हैं। बॉक्स ऑन माई हैंड के नाम से सेव कर लिया है हमने इसको। अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे ट्रैकर्स हैं इनको हाइड कर देते हैं। और हम हमारे जो यहाँ पे सीन है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले मैं अपनी कार इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारी कार यहाँ पे आ चुकी है, और हम क्या करते हैं शिफ्ट प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्ट, और इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ये इसका कार का मॉडल बहुत बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, जिससे हमें हमारे सीन में इसको एडजस्ट कर सकें। और अभी हम क्या करते हैं, हमारे करेक्टर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और करेक्टर हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अभी क्या करते हैं, शिफ्ट एस करके कर्सर टू सेलेक्ट टू कर्सर कर देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे करेक्टर आ चुका है। हम हमारी गाड़ी के हिसाब से इसका साइज सेट कर लेंगे, और इस गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, और इनको एक अलग फोल्डर के अंदर सेव कर देंगे कार नाम से, और ये जो करेक्टर है इसको भी। तो यहाँ तक हम इसको सेट हो चुका है, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। हम यहाँ पे ईवी टू साइकिल करते हैं, और फिर इसको, हाँ जी, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले प्लेन को ना इस बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये हमारा यहाँ तक सीन सेट हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें लाइटिंग करते हैं। और यहाँ पे इस प्लेन को इसके अंदर विजिबिलिटी और शेडो कैचर लगा देते हैं, जिससे हमारे ये यहाँ पे नीचे इसके शेडो आती रहे। और अभी हम यहाँ पे लाइटिंग करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक HDRI यूज़ करेंगे। तो मेरे पास काफ़ी HDRI पड़ी हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल टी करके यहाँ पे ओपन करके मेरे अंडर किट की ही HDRI हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे डाउनलोड कर करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये वाली HDRI हम यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम रेंडर व्यू में चले जाते हैं। तो
यहाँ पे ये सेट हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लाइट लगाते हैं। हमारा लाइट का सोर्स इधर से इस तरफ आ रहा है, तो हम इसी तरफ एक लाइट लगाएंगे। करता हूँ शिफ्ट ए और एक पॉइंट लाइट ले लेता हूँ। और पॉइंट लाइट लेने के बाद यहाँ पे इसको इस तरफ रख के इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं और इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं हम, यस। और इसको थोड़ा सा और ऊपर करके इसका रेडियस भी बढ़ा देते हैं, जिससे ये अच्छी लाइटिंग लगे। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यस। तो ये यहाँ तक हमारा सीन सेट हो चुका है। और यहाँ पे हम मैंने स्टैंडर्ड और ये यहाँ तक सेट हो चुका है। और अभी मैंने यहाँ पे ये जो ट्रैकर्स हैं, मैंने ये रिमूव करके रखे हैं पहले से ही। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे इसके ट्रैकर रिमूव कर दिए हैं। अगर आपको भी सीखना है कि ये ट्रैकर मैंने कैसे रिमूव करे हैं आफ्टर के अंदर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और ना मैं उसका ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा। और ये हमारा यहाँ तक सीन रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, एक रेंडर निकाल के देखते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा। हाँ जी, हमारा ये रेंडर यहाँ तक निकल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक कंपोजिटिंग में जाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट ए मूवी क्लिप और शिफ्ट ए अल्फा ओवर ले लेते हैं। और यहाँ पे हम दोनों सीन को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे हम मूवी जो हमने मैंने ट्रैकर रिमूव वाला फाइल बना रखी है फाइनल, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारा सीन कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये मेरा सीन यहाँ तक अच्छा लगा और आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो अपने डालूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये वीडियो अभी यहीं तक की। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।